कौन थे ये राजा शांतनु? पूर्व समय में राजा महाभीष। एक गलती हो गई जो पृथ्वी पर आकर मनुष्य बन गए। पहले भी मनुष्य थे, पर क्रम क्या था इनका ये देख लीजिए कि खूब भजन करना, जहां मंदिर नहीं बनते वहां राजा महाभीष मंदिर का निर्माण करते थे। ये गंगा के पति राजा शांतनु पूर्व समय की कथा कि पूर्व में आखिर इस राजा शांतनु ने ऐसा क्या करा था, राजा शांतनु ने ऐसा किया क्या था जो गंगा के पति बन गए, और पत्नी भी मिली तो विरोधावासी मिली। कभी कभी विचार करिएगा, पत्नी मिले और आपका विरोध करने वाली मिले ना, तो विचार करना कि हमने पूर्व में ऐसा कौन सा कर्म करा था जो ऐसी मिली है कि हमारा विरोध कर रही है। आप भजन करने बैठो तो वो विरोध कर देती, क्या करोगे भजन करके? क्या विचार करना, गंगा के विरोधावासी हो सकती है? पर राजा शांतनु के कारण गंगा को भी विरोधाभास करना पड़ा, गंगा को भी कहना पड़ा विवाह के समय पर, सुनो राजा शांतनु मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूं, मना नहीं, पर बात एक इतनी सी है कि आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे और मुझे किसी कार्य के लिए टोकोगे नहीं, ना तो तुम प्रश्न करोगे और ना तुम मुझे रोकोगे, ना तुम मुझे टोकोगे। मेरा मन, मैं जो करना चाहूंगी मुझे करना पड़ेगा, और मेरे मन के अनुसार मैं कुछ भी कर सकती हूं, मेरे मन के अनुसार बहुत कुछ मुझे करना होगा, बस प्रश्न मत करना और ना मुझे रोकना ना मुझे टोकना। और वही हुआ था, गंगा जी के जितने बच्चे होते थे गंगा पानी में बहा कर आ जाती थी और राजा शांतनु रोक नहीं पाते थे, विरोधाभासी थी। कारण क्या था? क्या मेरी गंगा महारानी विरोधाभासी हो सकती है? नहीं, किसी एक व्यक्ति के कारण गंगा को भी विरोधाभास करना पड़ा। राजा शांतनु जो पूर्व में समय थे उसका हिसाब रखना बड़ा कठिन था, बस एक गलती कर गए। राजा महाभीष दान पुण्य यज्ञ अनुष्ठान संकीर्तन सब करा, पुण्य कमा कमा कर इंद्र के पास पहुंचे, इंद्र ने सम्मान देकर इनको ब्रह्मलोक में स्थापित कर दिया कि अब तुम्हें कहीं नहीं जाना, अब आपको ब्रह्मलोक में रहना, अब आप ब्रह्मलोक में निवास करें। और ब्रह्मलोक का निवास करो, ब्रह्मलोक में रहो। अब एक बार ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी थी, ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा, और ब्रह्मदेव के कमंडल में जो गंगा विराज रही थी, उसने सुंदर कन्या का रूप रखकर, सुंदर स्त्री का रूप रखकर, इतनी सुंदर वस्त्र धारण कर आभूषण को पहनकर मां गंगा जैसे ही कमंडल से बाहर निकलकर जाने लगी, इतने में जैसे ही गंगा निकली और गंगा कमंडल से निकलकर जा रही थी, निकलते समय पवन का वेग चला, और पवन का वेग चला तो गंगा मैया का जो साड़ी का पल्लू था, जो एक वस्त्र था, वो थोड़ा सा उड़ा, वस्त्र उड़ा, गंगा जी के मस्तक से वस्त्र नीचे हो गया। जितने देवता उस सभा में विराजमान थे, जितने देवता उस सभा में बैठे थे, सब ने अपने नेत्रों को नीचे कर लिया। महाराज गलती हो गई राजा महाभीष से, एक गलती हुई कि गंगा जी को देखता रह गया। धर्म की जगह पर जाओ, सत्कर्म की जगह पर जाओ, यज्ञ में जाओ, अनुष्ठान में जाओ, भजन में जाओ, कीर्तन में जाओ, भगवान की किसी भी धार्मिक जगह पर, तीर्थ व्रत आदि आदि जगह पर अगर आप जा रहे हैं तो इतना जरूर ध्यान रखना, इतना सा बस ध्यान रखकर चलना कि हमारी इन इंद्रियों से कोई गलती ना हो जाए, हमारी इन इंद्रियों से कोई गलती ना। ब्रह्म लोक में रह रहे राजा महावीर ब्रह्मलोक में, एक गलती कर गए, गंगा जी को एक टकटकी लगाकर देखते गए, और गंगा जी को देखते गए तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और ब्रह्मदेव ने कह दिया, ए राजा महाभीष, गजब
तूने पृथ्वी पर जाकर यज्ञ करा, अनुष्ठान करा, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, सब कुछ करा, दुनिया भर का तूने मंदिर बनवाया, देवालय बनवाया, पर तूने ब्रह्मलोक में आकर एक गलती कर दी कि जो पुत्री गंगा है जो मेरे कमंडल से निकल कर जा रही थी, तूने उसको दृष्टि गलत दृष्टि से देख लिया। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू मृत्यु लोक में जाएगा, फिर मनुष्य बनेगा। अब ये देवलोक तेरे लिए नहीं है, ये देवलोक तेरे लिए मृत्यु लोक में। राजा महाभीष की आंखों में जल भर गया, क्षमा करिए, क्षमा कर। क्षमा करिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, जिस गंगा को तूने देखा है मेरी सभा में, यही गंगा मृत्यु लोक में तेरी पत्नी बनेगी, तेरा अपमान यही गंगा करेगी। और जिस दिन तेरे भीतर गंगा से द्वेष उत्पन्न होगा, तब तू इस श्राप से मुक्त होगा और वही राजा महाभीष शांतनु बनेगा।